Assalamu alaikum and hello people, what's up, welcome back to Shokadok Reaction, मैं मोहम्मद शाबिस, मोहम्मद इनायत। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो के ऊपर। आई थिंक शिकवा हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया था, शिकवा जवाब है शिकवा फ्रॉम कोक स्टूडियो। ओके, ये कुछ अलग तरीके का शिकवा है। अल्लामा इकबाल के जो लफ्ज हैं उसको यहाँ पर यू नो द कंप्लेंट एक्चुअल पोएट के तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली अर्तुरुल और उस्मान गाजी के ग्लिम्स उठाए गए हैं फ्रॉम द शो ऑफ अर्तुरुल एंड अर्तुरुल उस्मान गाजी, वहाँ से उठाए गए हैं और ये वीडियो बनाया गया है। दे आर टू डिफरेंट वीडियोज, शिकवा द कंप्लेंट एंड अनदर वीडियो दैट इज कॉल्ड जवाब ए शिकवा। सो आज हम लोग शिकवा करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग जवाब ए शिकवा शूट करेंगे जो कि हमारे चैनल पर कल आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। आप हमारे ऑफिशियल कड़क रिएक्शन के पेज को भी फॉलो कर सकते हो जिसके लिए लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। क्यों जिया कार बनू, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्जा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल के खामोश रहूं, बस रहे थे यही सलजूक भी तुरानी भी, अहले चीन चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूलों में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, और तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, थे हम ही एक तेरे मार्ग का आरा, खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए, कौम अपनी जजरों माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती, कर ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, क्या बात है, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतश कदा ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को, कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत का शिकायकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकदीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, तिबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम में हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए,
महफिले कौन मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हम, बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सफ़े दह से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जमीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं हम, वफादार नहीं। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज़त वाले भी हैं, मस्त मैं पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साथी न रहे जान रहे, नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषी सुलेमान कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे, बुए गुल ले गई बैरों में चमन राज चमन, क्या कयामत है कि कुछ फूल है गम माज चमन, ऐदे गुल खत्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज चमन, एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक, उमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में, इतने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस पदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हूँ वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादए देरीना के प्यासे दिल हूँ, अजमी खुम है तो क्या, मैं तो एजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी, वाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि आवाज किसकी है ये, बड़े ही मैच्योर और बड़े ही ना द नरेटर है, देखो द नरेटर जवाब है नहीं, अभी तक आया नहीं है, आई थिंक ये एक सीक्रेट रखा गया है नाम इनका, जिया मोहिनुद्दीन या आई थिंक हमने शायद
उनकी आवाज पहली बार सुनी है जामुद्दीन साहब, लेकिन माशाल्लाह यू नो ऐसा लग रहा था कि अल्लामा इकबाल की आवाज वो जो गूज़बम्स आने वाली थी, जो आवाज थी और जिस मैच्योरिटी से आवाज हमने डेफिनेटली नहीं सुनी है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब वो कहते थे तो लोग रो पड़ते थे, यू नो लोग कांपते थे, गूज़बम्स आ जाते थे उनकी आवाज, जो तरीका था उनका बोलने का वो हमने हमारे कमेंट बॉक्स में ही पढ़ा था वो भी, यू नो और यहाँ आई थिंक वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो आवाज जो जिसकी थी, हमने अल्लामा इकबाल की आवाज नहीं सुनी है तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर ज़िया साहब भी यू नो वो जस्टिफाई कर रहे थे और यू नो लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे उसमें, और मोस्ट ऑफ द सीन्स मैंने देखी हैं अर्तुरुल उस्मान गाजी की जो भी ये उठाए गए हैं क्लिम्स, शायद उससे आप रिलेट कर पाए, मुझे तो उतना रिलेट नहीं कर पाया सीन से, बट मैं इनको एक जनरली एज इफ मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था कि ये जो सीन्स हैं ये इसी शहर के लिए बनाए गए हैं शायद, तो ऐसे मैं इमेजिन करता, तो मेरे लिए वो और बेहतर वर्क किया मेरे, हाँ नहीं जो ड्रामा है उसमें ऐसे जो जो लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जो यू नो वाक्य बोले गए हैं, ऑल दो स्टफ वो बहुत ही रिलेटेबल हैं ड्रामे भी, बिकॉज जो स्ट्रगल उनका है, जो एक्चुअली मैं अर्तुरुल का पूरा सीरीज 5 सीजन में यू नो दिमाग में पूरा छपा हुआ है मेरे, नो आई नो ऑल द सीन्स और जो सिचुएशन दिख रही थी और किस वजह से वहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, और एडिटर ने उस सिचुएशंस को बराबर तरीके से फिट भी किया है, एग्जैक्टली यू नो द आई थिंक बहुत बेहतरीन, और वहाँ पर एक वर्ड था अबाउट द जालिम, अबाउट द चालाक, यू नो एहसान फरामोश, वो जो भी था नहीं वो उन कैरेक्टर्स को बराबर उठा के उन्होंने डाला है कि किसके किसके कैरेक्टर्स कैसे कैसे थे, उस तरीके के वर्ड्स को जस्टिफाई कर रहे थे, इट वाज अ वेरी गुड वर्क बाय एडिटर आल्सो। टीआरटी ने इनको कॉपीराइट से डाला क्या? आई डोंट थिंक सो, या फिर शायद परमिशन ले ली होगी या फिर कुछ ऐसा हो, बट या एंड आई थिंक बहुत क्रिस्प एडिट है इसका, वेरी क्रिस्प, बहुत हार्डली कोई सीन यहाँ पे 3 सेकंड से ज़्यादा होगी, हाँ तो इसलिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग यूट्यूब ने किया भी नहीं है वो, सो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कॉपी पेस्ट होगा, बट या ऑफ कोर्स, एंड उनका जो अदायगी थी बोलने की उसमें कहीं पे भी वो पोएटिक नहीं लग रही थी वो, इसमें क्या था कि पोएटिक में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है पोएट्री में भी, रिसिटेशन में भी कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ड जो स्ट्रेस होता है किसके ऊपर उसमें भी थोड़ा वो कहीं ना कहीं वो जो फ्लेवर था फ्लेवर मिस कर देते हैं, खुद शायर भी वो फ्लेवर मिस कर देते हैं आप खुद अपनी शायरी के, यहाँ पे किसी में फ्लेवर नहीं रहा, जहाँ पे स्ट्रेस करना है जिस वर्ड्स पे वहाँ पे, जहाँ पे उसको रोकना है वहाँ पे, और ऑब्वियसली स्टूडियो पे रिकॉर्डेड हुआ होगा ये और बहुत ही सोच समझ के रिकॉर्डेड हुआ होगा, लेकिन वो जो ठहराव चाहिए आवाज़ में जो होता है वो ठहराव बहुत अच्छा था यहाँ पर, कोई इन्होंने बेवकूफ़ी नहीं की कोई भी यंगस्टर को उठा के डाल के यू नो द वॉइस वगैरह वगैरह यहाँ पर गलती नहीं की, बिकॉज इस यू नो इसको आई थिंक मैच्योर आवाज़ जो एक बुलंद आवाज़ होती है वही सूट करती थी, एंड रियली व्हाट इज शायरी इज़ ओके, शायरी का मतलब होता है कि आजकल तो शायरी जो गाने आ रहे हैं वो डेफिनेटली नहीं, आजकल थोड़े थोड़े से बेहतर भी आ रहे हैं, लेकिन जो शायरी का मतलब क्या होता है कि एक इंसान के दिमाग में एक ऐसा थॉट और एक सिनेरियो प्रेजेंट करना जो कि उसने कभी सोचा नहीं था सिर्फ लफ्ज़ों के ज़रिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा कि इमेजिन करो आप किसी बस में जा रहे हो एंड यू डायरेक्टली आपका दिमाग आप यहीं पर हो गया एंड यू विल थिंक लाइक ओके आई एम गोइंग इन अ बस, इमेजिन करोगे, बट टू से इट इन ए फॉर्म ऑफ पोएट्री के आप वहाँ पे हो और आपका दिमाग उस बस में चला जाए, ट्रैवल कर रहा है आप, हवा लग रही है आपको कि मैं चल रहा हूँ काफिल में, एक काफिले में कि जहाँ मेरे चेहरे से टकरा रही है एक हवा का झोंका, कि मैं देख रहा हूँ उसके आगे पहाड़ मेरे सामने से गुजर, ऐसे कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मैंने ठीक नहीं बोला है, लेकिन ऐसे शायर ऐसे करते हैं कि एक तरीके से आपको टेक यू टू अ डिफरेंट सिनेरियो जहाँ पे आप नहीं हो, एंड ये होती है शायरी, इसमें एक थॉट प्रोवोकिंग शायरी ऐसी होती है जो एक आपके दिमाग में एक ऐसा थॉट को इंट्रोड्यूस करें एक ऐसे तरीके से ताकि वो उसके सिलेबल्स आपको ये सिलेबल्स वज़न बोलते हैं उसको, ताकि आपको वो वज़न भी ऐसा लगे कि आपको समझने में भी आसानी हो। इसमें क्या है कि उर्दू के बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत हैवी वर्ड्स, बट फिर भी हमें समझ में आए, हाँ जहाँ तक हमको ना मुझे उर्दू पढ़ना आता है ना मुझे लिखना आता है, मुझे उर्दू बहुत कम समझता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं समझ पाया बिकॉज ऑफ द रिदम ऑफ द शायरी जो उन्होंने की है और जो लिखी गई है, तो उसको इस ज़माने में, खैर एक ज़माना था शेर व शायरी का जहाँ पे लोग शेर व शायरी के एक्सपर्ट हुआ करते थे अल्लामा इकबाल साहब जैसे कि उन ज़माना था, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे उर्दू कमज़ोर है लोगों की, उर्दू में पकड़ बहुत कमज़ोर है और बहुत ही रेयरली ऐसे लोग हैं जो उर्दू को समझते हैं और ऐसे लोग कैमरा पर भी नहीं आते मोस्टली,
आई थिंक एक शख्स थे जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, रामदरी साहब थे। रामदरी साहब का अगेन नरेशन का स्टाइल अलग था, उनका स्टाइल अलग था, लेकिन उर्दू उर्दू वे में वो ही एक थे आई थिंक। सी इब्राहिम, आई टेल यू अगेन, रामदरी साहब का जो स्टाइल था वो आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न स्टाइल ऑफ शायरी थी उनकी। इनफैक्ट वो लगते थे बहुत, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो लगते थे ऐसे अपीयरेंस हैं, लेकिन उनकी जो शायरी का जो अंदाज था ना वो एकदम मॉडर्न था, वो मॉडर्न शायरी थी। लेकिन क्योंकि उनके जो लफ्ज़ थे वो बहुत ही आसान हुआ करते थे, बहुत आसान, बट कोई भी समझ, थोड़े उनके शेर ऐसे थे जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही कम वजन थे, लेकिन वहाँ पे वो अपने प्रेजेंटेशन से करते थे, कमाल करते थे वो। लेकिन अल्लामा इकबाल का जो लहजा अलग था यहाँ पे, इसको इस ज़माने के अंदर रिलेवेंट बनाना एक ऐसी आवाज़ में, ऐसे विजुअल्स के साथ साथ, दैट एक्चुअली मीन्स कि अल्लाह हम पे अभी भी मेहरबान है, उर्दू हम पे अभी भी मेहरबान है। दैट्स अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस वीडियो। सो या आई थिंक जो हमने शिकवा और जवाब शिकवा जो कोक स्टूडियो के ऊपर रिएक्ट किया था, शिकवा बहुत छोटा दिखाया गया था वहाँ पर, जवाब शिकवा थोड़ा यू नो लंबा बनाया गया था, और वहाँ पर उतने ज़्यादा डीप वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए थे जितने यहाँ पर हैं, बट स्टिल यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया गया कि एक्सक्लूडिंग ऑल द कॉन्ट्रोवर्शियल लाइंस। सो डेफिनेटली अलामा इकबाल जो भी यू नो वो उस ज़माने के जो भी थे, वो जो भी हम लोग पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो उनको बहुत सारी फेस करने पड़े, सो आई थिंक वो सारे निकाल दिए गए और बहुत डीप थॉट वाले, आई थिंक बहुत ही पॉलिटिकल वे में क्रिएट किया गया है। यू नो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह को क्वेश्चन करने के लायक करने गया इसमें, यू नो बहुत पॉलिटिकल वे में, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, सो ऑल द पॉलिटिकल थिंग्स को यहाँ पर कैप्चर किया गया है, लेकिन कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बोली इन्होंने जिसके वजह से एक लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। आई थिंक वो एक बहुत ही स्मार्ट मूव था फ्रॉम द क्रिएटर्स। एंड आई वंडर कैसे लोग हर्ट हो जाते हैं शायर की बात से यार। What stupidity to the zamane mein. Allama Iqbal ka jo aaya tha wo zamana bahut alag tha. Us waqt I think ye bahut chal bhi raha tha about the religious conflicts and all, aur us waqt I think ye you know partition wagera bhi hua tha. So us waqt ye bahut important tha ye. So uske liye I think ye trigger kar gaya logon ko. Aaj ke zamane mein shayad लोग एक्सेप्ट कर ले उसे, बट आज के ज़माने में हमें अलामा इकबाल साहब जैसे लोग मिलेंगे नहीं, दैट्स द थिंग। या बट वेरी स्मार्ट मूव बाय द क्रिएटर्स एंड वेरी गुड वन, आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया है। एंड आई यू नो जब मैंने सुना इसके बारे में कि अर्तुरुल उस्मान गाजी एंड ऑल दो ग्लिम्स को उठा के बना रहे हैं, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग के इस तरीके का कंटेंट हमको मिलेगा। यू नो मेरे एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो थे, लेकिन यहाँ पर क्रिएटर्स ने वो भी अच्छे तरीके से यू नो प्रेजेंट किया है। सो या दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन शिकवा द कंप्लेंट बाय अलामा इकबाल साहब, और एंड इट वॉज रियली गुड। एंड कल आप वापस आ जाइए हमारे चैनल पे, आपको हमारे जवाब शिकवा का रिएक्शन भी मिल जाएगा। अभी करने का मन कर रहा है। नहीं अभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ, लेकिन कल लोगों को देखने को मिलेगा। ओके सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड दिस मोहम्मद शाविस, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ।